नमस्कार, मैं निशी भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड की राजधानी में। लगातार हम रियलिटी चेक कर रहे हैं, हर विधानसभा में जाके हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड निकाल रहे हैं और किस तरीके से हर विधायक किस तरीके से अपनी विधानसभा में काम कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर भी हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो आज हम मौजूद हैं कैंट विधानसभा में, जहाँ से बीजेपी प्रत्याशी सविता कपूर इस बार मैदान में उतर रही हैं और कांग्रेस से क्या कहते हैं धस्माना जी जो हैं इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इसके अलावा हम लोगों से जानते हैं कि क्या क्या यहाँ के इस विधानसभा के मुद्दे होने वाले हैं इस बार और क्या किस तरीके से जो स्वर्गीय हरबंस कपूर जी ने क्या क्या काम नहीं किए जो अब आने वाली सरकारों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके विधानसभा में क्या क्या काम हुए हैं इस वक्त। हमारे तो कुछ नहीं पता सर, हम तो यहाँ पर रहने वाले नहीं है, बिहार का रहने वाले हैं। हाँ, तो आप यहाँ पर काम करते हैं, तो यहाँ पर क्या लगता है आपको कि क्या दशा है यहाँ की विधानसभा की? यार दशा तो कुछ नहीं है सर, यहाँ पर तो मजदूरी करने आ रहे हैं, कर रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं आराम से। अच्छा, तो आपको लगता है यहाँ पर कुछ विकास हुआ? विकास तो थोड़ा कम बहुत हुआ जरूर, कमाने के ऊपर विकास हो करेगा। हाँ जी जी। तो अब मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, राजनेता अब दो कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने होने वाले हैं यहाँ पर विधानसभा में, आपको क्या लगता है कौन से राजनेता अच्छा काम करेगा, कौन सी पार्टी अच्छा काम? हमारे लोग का तो यही लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग का सब लग रहा है कि अच्छा ही कर रहे हैं। जो आदमी काम कर रहे हैं वो तो अच्छा ही है, इससे आगे अब उन लोग का व्यवहार जो जैसा है अपना कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस विधानसभा से क्या मुद्दा उठने वाला है, किस मुद्दे पर अब चुनाव लड़ा जाएगा, यहाँ से किस मुद्दे पर अब वोट मिलेंगे? मुद्दे की बात तो अब वही लोग समझेंगे ना कि किस तरह से जो अपना विकास किए होंगे तो उस तरह से मिलेंगे वोट, मतलब नहीं विकास करे होंगे तो नहीं मिलेंगे वोट। तो आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या मुद्दा होने वाला है इस बार इस विधानसभा का? बेरोजगारी का मुद्दा होगा यहाँ पे खाली बस, और बाकी तो विकास बहुत हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब बीजेपी को वोट देंगे लोग। अच्छा, तो आप बीजेपी से सविता कपूर को इस बार जिताएंगे? हाँ, सविता कपूर को वोट देंगे। अच्छा, और भी कुछ उम्मीदें हैं, कुछ वो चाहें कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो कुछ ऐसा ऐसा काम करें या इस विधानसभा क्षेत्र? हरबंस कपूर ने काम बढ़िया करा, वो भी काम बढ़िया करेंगे। जब उनके हस्बैंड ने काम किया वो भी बढ़िया काम करके देंगे। अच्छा, तो आपको लगता है वो भी अच्छा काम करेंगे, उनके हस्बैंड ने भी अच्छा किया तो? उम्मीद पूरी होती है, जैसे घर का आदमी काम करता है वैसे दूसरा भी आदमी काम करता ही है। अच्छा, तो आपको लगता है वो उनकी विचारधारा पे इस बार काम करने वाले? हाँ, पूरी उम्मीद है वो अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या मानना है यहाँ से बीजेपी के आदमी? बीजेपी क्यों? बीजेपी ही अच्छा लगता है, वो काम अच्छा कर रहा। अच्छा, तो यहाँ से सविता कपूर इस विधानसभा से अब चुनाव लड़ेंगी, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर इस विधानसभा का क्या मुद्दा उठने वाला है, क्या चीजें यहाँ पर कमी है इस विधानसभा? देखिए, कमी कोई चीज नहीं, विकास हो रहा और विकास ही होगा और उन्हीं का जीत होगा। तो आप कुछ चाहते हैं कि अगर वो सविता कपूर जीते चुनाव तो फिर उसके बाद क्या काम आपके लिए कुछ करना है उन्होंने? देखिए, हम तो बाहर है, अब यहाँ के काम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो भी काम हो रहा अच्छा हो रहा। अच्छा, तो आपको लगता है यहाँ पर काम अच्छा चल रहा है जितना भी चल रहा है? तो अब हम और लोगों से बातचीत करके जानते हैं कि यहाँ पर सच में विधानसभा में किस तरीके का काम चल रहा है और लोगों की क्या सोच है इस पर। क्या लगता है आपको इस विधानसभा से कौन अपना परचम लहराने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार यहाँ पे पूर्व में पिछले 8 बार से यहाँ के विधायक रहे हरबंस कपूर जी ने, जो विकास की गंगा यहाँ पे भाई है, जो जन जन के हृदय में जो उनका वास है, निश्चित रूप से इस बार भी जो उनकी धर्मपत्नी जी को जो है यहाँ से टिकट मिला और मेरे को पूर्ण विश्वास है। और जो हम यहाँ पर क्षेत्रों में जा के प्रचार कर रहे हैं, जो जनता का जो हमें अपार समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि लगभग 25,000 प्लस वोटों से भारतीय जनता पार्टी 21 कैंट विधानसभा जीतने वाली है। श्रीमती सविता कपूर जी 9वीं बार जो है यहां पे विधायक के रूप में, जो हरबंस कपूर जी 8 बार और 1 बार आपका जो है परचम यहां पे लहराने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट जो है भारी मतों से जीत के आने वाली है। तो सूर्यकांत धस्माना जी पर आप क्या कहेंगे, उन्होंने कुछ नहीं करा कि मतलब जो इस बार पूरे पूरे चांसेस आप बता रहे हैं और पूरी गारंटी के साथ आप बता रहे हैं कि सविता कपूर इस बार जीत? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दुख के समय पे जो है क्षेत्र की जनता के साथ लगा रहा। जिस समय कोविड कार्यकाल था, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता क्षेत्रीय विधायक श्री हरबंस कपूर जी के साथ जो है जन जन की समस्याओं के लिए लड़ता रहा, चाहे वो सैनिटाइजर वितरण की बात हो, चाहे मास्क वितरण की बात हो, चाहे भोजन की वितरण की बात हो, चाहे कच्चे राशन की वितरण की बात हो, चाहे हॉस्पिटल में कोई समस्या उसकी बात हो, चाहे गैस सिलेंडर का विषय हो, हर विषय को लेकर जो है यहाँ के क्षेत्रीय कार्यकर्ता, बूथ के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, यहाँ के पार्षद और यहाँ के विधायक जो है प्रधानमंत्री तक लेकर जो है जनता के साथ अपने खड़े हैं। तो निश्चित रूप से
जनता ने देखा है कि उनके कठिनाई के समय में, उनके कष्ट के समय पे कौन उनके साथ जुड़ा हुआ था यहाँ पे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं दूर दूर से, मैं खाली यहाँ पे एक पर्टिकुलर इस क्षेत्र के विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस के प्रत्याशी की, मैं पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। कहीं भी कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं जनता के बीच में उनके दुख के समय पर नहीं दिखा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके दुख के समय पर उनके साथ था। मुझे निश्चित रूप से जनता समझदार है, जनता को पता है कि उनका वोट कहाँ जाना है और आगामी भविष्य उनका साथ भारतीय जनता पार्टी साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी ये सीट विजयश्री हासिल करेगी। जी जी जी, तो मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है यहाँ पर। निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सविता कपूर एक भारी बहुमत से यहाँ पर सीट जीतने जा रही हैं, और यहाँ के सिर्फ कैंट विधानसभा ही नहीं हम बल्कि प्रदेश में हम भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो की सरकार ने, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उन्होंने जो कार्य किए उन कार्यों के आधार पर, और हमारे विधायक जो 8 बार यहाँ से हरबंश कपूर जी यहाँ से लगातार विधायक रहे, उनके कार्यों के आधार पर भारी बहुमत के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रही हैं। और राज्य सिंपैथी वोट कहेंगे आप इसे? नहीं, कार्यों के आधार पर भी सिंपैथी भी हो सकती है, लेकिन जो उनके कार्य करने का तरीका था और क्षेत्र में जो उनका कार्य रहा उसके आधार पर भी भारी बहुमत से यहाँ पर चुनावी मुद्दा होने वाला है इस बार इस विधानसभा से, कि कुछ लोगों की जरूरतें हैं और भी तमाम लोग, आप लोग भी इस विधानसभा से, तो कुछ एक चुनावी मुद्दा है इस विधानसभा से? चुनावी मुद्दा मेन विकास का, जिस प्रकार से विकास कर रहे पिछले वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, हमारे विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने किए, वो निश्चित रूप से एक मुद्दा रहेगा। अच्छा, तो आपको लगता है विकास एक मुद्दा हो सकता है यहाँ का? आपके हिसाब से क्या लगता है, विकास मुद्दा बनेगा इस विधानसभा से? मेरे हिसाब से इस विधानसभा से ये मुद्दा तो नहीं होना चाहिए विकास का, क्योंकि बहुत अधिक कार्य भाजपा द्वारा हुए हैं विकास के और निरंतर हो भी रहे हैं, और सभी पूरी जनता जानती है कि कितना जो कार्य, विकास कार्य जितना भी हुआ है वो भाजपा की सरकार से द्वारा हुआ है। और भी अन्य पार्टियां हैं बट उतना उनका कोई भी कार्य इस तरह का नहीं। से सूर्यकांत दसमाना जी ने कुछ नहीं किया यहाँ पर? नहीं, उनके द्वारा ऐसा कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। वो सिर्फ हर बार एक कहते हैं कि मिठाई, हर बार सपने दिखाते हैं कि ऐसा विकास होगा, वो विकास होगा, ये होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। तो इसके अलावा कुछ हो सकता है यहाँ पर चुनावी मुद्दा? विधानसभा में तो ऐसा कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार भाजपा की सरकार यहाँ हर क्षण हर पल हर स्थिति में अपना खड़ी हुई है, हर तरीके से अंत्योदय वाला व्यक्ति लेके चली हुई है भाजपा, कि पंक्ति में जो आखिरी इंसान खड़ा है, जो निम्न, बिल्कुल निम्न वर्ग का है, उसे लेके भाजपा सरकार चली है। तो कोई ऐसा चुनावी मुद्दा यहाँ कैंट विधानसभा से तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो इसके बाद आप चाहती हैं कि अगर सविता कपूर सत्ता में आती हैं, वो विधायक बनती हैं, तो इसके बाद कुछ एक काम हो जो यहाँ की विधानसभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए? सविता कपूर जी यहाँ जो विधायक बन के आएंगी, क्योंकि ये अजय सीट है कैंट विधानसभा में, 8 बार से हमारे कपूर साहब इस सीट को विजय मतलब प्राप्त करते आ रहे हैं, और आगे सविता कपूर जी भी उनसे अधिक वोटों से यहाँ से जीत के आएंगी। और जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं कपूर साहब के, इसमें जो अधूरे रह गए हैं उनको आगे उनके द्वारा किए जाएंगे। जी, तो हम और लोगों से जानते हैं कि क्या है असल हकीकत। तो आपको क्या लगता है यहाँ से इस बार भाजपा कांग्रेस में से कौन अपनी परचम लहराएगा? मेरे को तो भाजपा ही लगती हैं, सविता जी ही जीतेंगी यहाँ से। अच्छा। हाँ, मेरा अपना अनुमान है, क्योंकि उन्होंने मतलब बहुत कुछ करा, हरबंश कपूर जी ने बहुत कुछ करा, और अब मुझे सविता जी पे बहुत उम्मीद है। अच्छा, तो आपको हरबंश कपूर जी की वजह से सविता कपूर पर? हाँ, मुझे बहुत भरोसा है उनके ऊपर कि वो अब विकास करेंगी। तो अब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि अगर वो जीतती हैं तो उसके बाद उन्हें क्या क्या काम करना चाहिए इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में जैसे पानी की लाइन वगैरह है, इसमें जरा नहीं है तो वो आ जाएगी, और ये सड़क रोड वगैरह ठीक हो जाएगा, और क्या, हम जैसे गरीब लोगों के लिए अच्छा करेंगी वो, यही सब विकास होगा, होना चाहिए। हाँ जी, और क्या है? तो आपका क्या, आपकी क्या इस पर राय है, कि आपको क्या लगता है? हाँ जी, मुझे तो यही लग रहा है, उम्मीद की कुछ बढ़िया कर पाएंगे, इनके पतिदेव थे तो वो तो सही थे, सारे जगह विकास के लहर फहरा रखे थे। अब इनको अभी नया नया जुड़े हैं, अब देखिए इनको क्या भागे ले जाता है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो जीतती हैं तो क्या काम करना चाहिए उन्हें सबसे पहले इस क्षेत्र के लिए? सबसे पहले तो ये स्कूल जो जितना है वो मरम्मत करवाए, स्कूल में बिजली पानी लगवाए ढंग से जी। उसके बाद ये जो है शहरी विकास योजना, ये सब सड़क विभाग, ये सब ठीक करवाए, सीवर लाइन, कहीं गड्ढे हो रहा, कहीं सड़क टूट रहा, ये सब को ठीक ठाक करवाए, और क्या हो सकता है।
आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या क्या काम हुए हैं? काम तो हमारे हो ही रहा है, जो पब्लिक के हिसाब से तो हो ही रहा है, जो जो मेन मेन काम है, बिजली है, पानी है, सड़क है, तो कर ही रहा है, सब कर ही रहे, पब्लिक और क्या चाहिए जी। तो इस बार फिर आपने क्या सोच बनाई है कि इस बार इस क्षेत्र से, इस विधानसभा से सविता कपूर अपना परचम लहराएंगी या फिर सूर्यकांत धस्माना? अब देखिए, अभी कह नहीं सकते इसके बारे में, इसके बारे में सबसे अच्छे विकास कार्य किए। विकास कार्य तो देखिए, पहले तो कांग्रेस था तो कुछ तो ऐसे स्लो चल रहा था, लेकिन जब से बीजेपी आया तब से तेजी थोड़ा पकड़ तो चुका कहीं ना कहीं बीजेपी के चांस। हाँ, इससे बीजेपी का चांस ज्यादा लगती है जी। तो और आप कुछ चाहते हैं कि इस क्षेत्र में कुछ और ऐसा मुद्दा है जिस पर अब चुनाव लड़ा जाएगा जी, क्या लगता है आपको? अब देखिए, अब इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, इसके बारे में तो हमें इतना जानकारी भी नहीं है, लेकिन ये है कि हमें चांसिंग है बीजेपी का। ठीक है जी जी। तो क्या लगता है आपको कि इस विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके का विकास कार्य चल रहा है? देखिए, पिछले 5 साल हमारे स्वर्गीय हरबंश कपूर ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहते हुए कार्य किए हैं, उसी को लेकर हम जनता बीच में जीत गए हैं और हमने जनता से कहा है, जो हमने विकास कार्य पूरे कर दिए हैं, जो अधूरे कार्य हैं वो सविता कपूर जी उनके दिशा निर्देशों में कार्य करेंगी और आगे जो भी बचे हुए कार्य हैं, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे वैसे कपूर साहब ने, आप वार्ड वार्ड निरीक्षण कीजिए, कपूर साहब ने सारे कार्य कर दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कपूर साहब जनता के बीच में कार्य करते थे, वो तो ये है कि हमारा दुर्भाग्य है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए गए कार्य हमारे साथ, ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही चल रहे हैं वो। आपको लगता है कहीं ना कहीं सविता कपूर भी इस बार अपना परचम लहरा सकती हैं अच्छे काम के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत अच्छे रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, जो हमारी पिछली बार लीड थी उससे ज्यादा मतों से जीत के आएंगे इस बार हम जी। तो मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है? जी जी, पिछली बार जितने वोटों से कपूर साहब जीते थे, इस बार उससे दोगुने मतों से जो है सविता कपूर जी जीते हैं, क्योंकि उनके द्वारा किए गए बहुत सारे काम, आर्थिक सहायता, कोरोना काल में फ्री राशन बंटवाना, लोगों की मदद करना, दवाइयां पहुंचाना, ऑक्सीजन की कमी होने के बावजूद भी कपूर साहब ने कभी भी किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं होने दी, सबको सारी चीज़ें मिली है, सड़कों का निर्माण, नालों पर पुश्तों का निर्माण, सारे काम कपूर साहब ने इतने अच्छे बेहतरीन तरीके से कर रखे हैं कि जिनका लाभ सविता कपूर जी को मिलेगा और बहुत ज्यादा भारी मतों से हम विजयी होंगे। तो पर कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि यहाँ के विकास की, तो इस बार कोई विकास का ऐसा मुद्दा होने वाला है जिस पर चुनाव लड़ा जाएगा इस विधानसभा से? विकास तो सारा कपूर साहब ने कर ही रखा है यहाँ पे और लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, जिस वजह से लोग अभी भी जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हमारी सविता कपूर जी उन्हीं को मत देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सिंपैथी वोट होने वाला है? नहीं, सिंपैथी नहीं है, ये विकास वोट है, जो विकास कार्य कपूर साहब ने करे हैं उनके उस बिहाव पे जो है मतदान किया जाएगा इस बार भारतीय जनता पार्टी। तो आप भी बीजेपी जी, और आपका क्या मानना है इस पर? पहले तो आपका धन्यवाद कि आप यहाँ सर्वे के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बूथ स्तर से काम करती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहाँ आप खड़े हैं ये गांधीग्राम वार्ड है, 14-15 सालों तक यहाँ पे हम जीत नहीं पाए थे, पर लास्ट जो नगर निगम चुनाव हुआ उसमें हम यहाँ से जीते हैं और उसके बाद लगातार इतने विकास के कार्य हुए हैं। आप इस पूरे वार्ड में घूम के देख लीजिए, कहीं सड़क बनाने की ऐसी कोई जगह नहीं बची है, जो हमारे पास अभी पेंडिंग सड़कें पड़ी हैं, पास हो चुकी हैं, पर हमारे पास जगह ही नहीं है बना की। और ये आप पूरी नदी का क्षेत्र है, बस्ती का क्षेत्र है, आप इसमें जाएंगे आप देखेंगे पूरे नदी के साथ साथ सब पुस्ता लगाने का काम हमारे एक वार्ड के जो यहाँ के पार्षद है उन्होंने किया है। तो जब एक छोटा पार्षद इतना काम कर रहा है, पर कहीं ना कहीं अगर मैं भी गई हूँ अभी यहाँ बिंदाल साइड, तो वहाँ पर भी कोई क्षेत्र जो है वो हरबंस कपूर जी के विधानसभा के अंतर्गत आता था, तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमारी जो समस्याएं हैं वो पुछते नहीं है, पुल नहीं बनाया गया और कई तमाम उन्होंने समस्याएं गिनाई, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे को ऐसा संज्ञान में कोई ऐसी जगह नहीं आती है कि कोई पुल नहीं होगा। आप इधर से रोड पे आप हमें पैदल मार्चे हम दिखा सकते हैं, 5 पुल तो मैं आपको इसी नदी पे दिखा दूंगा और यही सिर्फ नदी वाला क्षेत्र हमारे उसमें लगता है। यही है, न्यू पटेल नगर है, गांधीग्राम है, उसके बाद कांवली वाला क्षेत्र है, आप वहाँ पे जाके देखिए लोगों के घर तक गैस पहुँचाने का काम किया है, पाइपलाइन पहुँचाने का जो काम किया है वो हमारे माननीय विधायक जी ने किया है, जो आप हमारे बीच में रही हैं। और जो पर आप ये सोचिए, भाजपा एक नीचे से लेके ऊपर तक काम करती है, जो विधायक के लेवल का काम होता है वो विधायक करता है, जो पार्टी के कार्यकर्ता के लेवल का काम होता है वो कार्यकर्ता करता है, जो पार्षद के लेवल का काम होता है वो पार्षद करता है। हमारा कार्य है एक एक बूथ पे पहुँचना, एक एक पन्ने पे हमने एक एक व्यक्ति को लगाया है, उसकी हमने पूछा है भाई तुम्हारी जरूरत क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारी पेंशन का कुछ इशू है तुम्हारा। इसी वार्ड में कोरोना काल में 1500 भोजन के पैकेट मैंने अपने हाथों से बटते हुए देखे हैं, अपनी आंखों से बटते हुए देखे, सिर्फ इस वार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, एकमात्र वार्ड की, और ऐसे हमारे 19 वार्ड हैं। तो आपको लगता है पूरे चांसेस इस बार इस विधानसभा से सविता कपूर के? मैं इसको लहर नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कहर बरसेगा, कहर बरसेगा, इतना कहर बरसेगा कि रिकॉर्ड टूट जाएंगे इस बार। अच्छा, तो पूरी रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी, जनता इतनी प्रसन्न है और ऊपर से उनको सिंपैथी भी वोट मिलेगा,
विकास का वोट भी मिलेगा, आप ये मान के चलिए। और यूथ आपके सामने खड़ा है, ये खुद एडवोकेट है, ये अपना काम छोड़ के सब यहाँ पे लगे हुए, इसीलिए लगे हुए कि पुनः उनको चाहते हैं। जी तो हम और लोगों से बातचीत करके इस विधानसभा क्षेत्र का एक रियलिटी चेक करेंगे और जानेंगे कि क्या है इस विधानसभा के हाल। तो क्या लगता है आपको इस विधानसभा क्षेत्र से क्या होने वाला है इस बार चुनावी मुद्दा? मैडम देखते हैं, अभी तो हो ही रहा है और हमारी तरफ से तो पिछले वाले प्रत्याशी भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं, सूर्यकांत दसमाना जी भी हो सकते हैं। तो क्या लग रहे हैं चांसेस किसके हैं यहाँ पर? चांस मैडम 50-50 है। अच्छा, तो क्या क्या विकास कार्य हुए हैं यहाँ पर? मैडम विकास कार्य तो हो ही रहे हैं, अभी तक नाली वगैरह बन ही रहे हैं और आगे भी कार्य चल ही रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किस तरीके से काम होना चाहिए, अगर कोई भी सरकार आती है तो आपका क्या मुद्दा होने वाला है इस बार? मैडम अब की बार तो बस्ती का जो मालिकाना हक है हमारा, हाँ, वो हमें मिलना चाहिए इस बार। अच्छा, हाँ, हमारा यही मुद्दा रहेगा। तो इस बार किसको वोट दे रहे हैं? अब की बार हमारी तरफ से तो कांग्रेस को है वोट। ठीक है, तो आपका क्या है? देखिए, इस बार जो है बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है जी। सबसे बड़ा मुद्दा यहीं पे है, बेरोजगारी और महंगाई, इसके अलावा कोई इशू ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो इस बार चेंजेस होंगे। तो आपको लगता है कि इस बार कुछ चेंज होने वाला है, और क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं? बोलो तो, बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे ज्यादा, वो पढ़ाई लिखाई करके यहाँ पे कोई रोजगार तो है नहीं, दिया नहीं इन्होंने, इन्होंने तीन तीन मुख्यमंत्री दे के उनका पेंशन बढ़ा दिया, उनका रोजगार हुआ है और कुछ तो नहीं। अच्छा, तो आपका क्या मानना है इस पर? क्या लगता है आपको? बताइए। अरे मुझे कुछ नहीं लगता। अच्छा, आपको कुछ नहीं लगता, तो और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी सरकार अपना परचम लहराने वाली है? बीजेपी लहराएगी मैडम। बीजेपी? बीजेपी के विकास कार्य मुद्दे आपको अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे लगते हैं जी। तो क्या उम्मीद है आपकी कि इस बार की क्या होना? मंदिर का मुद्दा ले लो, 370 जो कांग्रेस ने इतने सालों में नहीं हटा पाए वो मोदी सरकार जी ने में हटी है, तो बीजेपी है। अच्छा, तो इसके अलावा यहाँ क्षेत्र में क्या मुद्दा होने वाला? मुद्दा यह है कि विकास, साफ सफाई, नाली का ये बन रही है अभी ये। अच्छा। है और साफ सफाई मेन मुद्दा है। तो आपको साफ सफाई मुद्दा लगता है यहाँ पर? और अगर आप जैसे बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी अगर सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? सबसे पहला काम मैडम जैसे भैया ने बताया, रोजगार होना चाहिए। वैसे रोजगार भी मुद्दा है, रोजगार होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इस पर? मैडम ऐसा है कि रोजगार की बात ये तो एक मुद्दा बना रखा है, बेरोजगार कौन है? ये जो नशा करने वाले हैं बेरोजगार हैं ये? रोजगार वाला आदमी जो मेहनती आदमी है, देखो ठेली वाले हैं ये भी 400-500 रुपए लेके आए होंगे जिनसे इनके बच्चों का पेट आराम से भर सकेगा। बेरोजगारी का मुद्दा वो रखते हैं जो खुद रोजगार नहीं करना चाहते, मेन बात है ये। अच्छा, तो इसके अलावा आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में क्या ऐसे मुद्दे होने वाले हैं? मैडम काम की बात ऐसी है कि मुद्दा होता है मेन काम का, रोड की, नालियों का। ऐसा कोई काम है नहीं जो हुआ ना हो। हमारे यहाँ के 8 बार के विधायक श्री हरबंश कपूर जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, अब उनकी वाइफ को टिकट मिला है सविता कपूर जी को, तो ये तो कंफर्म है। जो हरबंश कपूर जी 8 बार जीते हैं, 9वीं बार सविता कपूर जी जीतेंगी। तो आपको लगता है सिंपैथी वोट होने वाला है इस बार ये? नहीं मैडम, काम का वोट है। सिंपैथी वोट तो अलग बात है, काम का वोट है। कपूर साहब ने काम किया है, उसका वोट मिलेगा उनको। अच्छा। ये उनको रिजल्ट मिलेगा इस बात का। इसके बाद अगर सविता कपूर जी यहाँ से जीतती हैं तो क्या आपके क्षेत्र में सबसे पहला काम क्या हो? अब हमारे यहाँ पे जो इन्होंने रोजगार का बताया है, रोजगार सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेन दिक्कत यह है कि जो स्कूल बंद हो रखे हैं कोरोना काल की वजह से, इसमें कुछ होना चाहिए। बच्चों के भविष्य का सवाल है। जो बच्चा 3 साल में एडमिशन होना चाहिए था, आज 5 साल का हो गया लेकिन अभी एडमिशन नहीं हो पाया है। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो बच्चों की तो एज बढ़ जाएगी, वो इंटर भी करेंगे तो 20 साल के हो जाएंगे जब उसके बाद उनका इंटर होगा। तो आपको लगता है एक शिक्षा भी मुद्दा है? बिल्कुल मैडम जी। और आपका क्या कहना है इस पर कि इस विधानसभा से क्या मुद्दा होने वाला है? हमारा मुद्दा ये हरबंश कपूर की भाई जीतेंगी, उनने कार्य किया हमारे बीच में। तो आपको लगता है क्या क्या काम किया? हमारे सारे अच्छे काम किए। अच्छा। स्कूटर पे आते थे, पैदल भी आते थे, भाई भाईचारे थे, पूछते थे भाई आपके क्या हाल चाल है, परेशानी हो जो बताओ मुझे, हमें कोई दिक्कत नहीं उनसे। अच्छा, तो आप उन्हें वोट देंगे? जी बिल्कुल देंगे। और क्या चाहते हैं आप, कुछ काम यहाँ पर इस क्षेत्र में होना चाहिए? होगा जो उनकी बाप को बताएंगे, जो हमारा काम होगा, हमारा काम रुका पड़ा जो। अच्छा, क्या काम रुका हुआ? जो भी छोटे मोटे काम है, नालियों के, सिविल के, सारे काम हमारे सब ओके हैं सब। ठीक है, तो इस बार आप बीजेपी को वोट देने वाले हैं? जी बीजेपी। आपका क्या मानना है सर?
ये भाई मैं तो वैसे भी हरिद्वार का रहने वाला देहरादून का नहीं हूँ। तो आपको क्या लगता है वैसे भी कौन सी पार्टी इस प्रदेश में आनी चाहिए? देखो भाई प्रदेश में क्या, हमें तो कमल के फूल को देंगे। और अच्छा कमल को? हाँ जी। आप चाहते हैं बीजेपी आए? हाँ मैडम, मेन बात यह है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों की आप स्थिति देखिए। जो कहते हैं हम रोजगार देंगे, जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां तो आपने रोजगार दिया नहीं है। आप कह रहे हैं हम गैस सिलेंडर 500 रुपए का कर देंगे, आपकी 3 राज्यों में सरकार है, पहले आप वहां पे 500 का करो उसके बाद आप यहां बात करो। आपने वहां 500 का किया नहीं। आप बोलते हो कि हम शिक्षा देंगे, जब आपकी सरकार थी तब की शिक्षा देख लो और अब की शिक्षा देख लो। जो मजदूर आदमी है किसी भी वर्ग का है, मोदी जी की आयुष्मान कार्ड की योजना के तहत 5 लाख का बीमा है, 5 लाख का इलाज होता है, तो गरीब आदमी को इससे बहुत लाभ हो रहा है। आयुष्मान कार्ड की सच्चाई यही है कि अभी भी हॉस्पिटलों में अगर जाओ ना तो आपको आयुष्मान कार्ड कहीं नहीं लगना चाहता, लगता ही नहीं है। आदमी को इतना रिंगा दिया जाता है जब तक उसकी जेब का पैसा सारा खर्च कर लिया जाता है, उसके बाद आयुष्मान कार्ड लगता है। बताइए, ये बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति अभी आयुष्मान कार्ड मैडम ऐसा है, पहले आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे लेकिन आप अपना पैसा दिखाते हैं, आप डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी फीस चार्ज करेगा, बेड चार्ज फीस करेगा, डॉक्टर की फीस चार्ज आपसे लेगा, नर्स का चार्ज लेगा। अगर आप डायरेक्ट सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं सब जानते हैं, अगर आप पहले सरकारी हॉस्पिटल में जाओ जो सरकार ने अपनी योजना रखी है जहाँ से आपका इलाज कर सकते हैं, पहले आप वहाँ जाओ। अगर वो वहाँ से कहीं और रेफर करते हैं तो आपका इलाज फ्री होगा। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये हो सकता है, और आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, भाई ने कहा आयुष्मान कार्ड में इलाज हो रहा है, मेरे साथ में काम करता है वो हॉस्पिटल में, मैं हॉस्पिटल में इलाज किया तो 2 लाख उसके हार्ट की सर्जरी हुई तो बाकी इलाज मिला उसमें। आदमी का बंदा बीमार पड़ता है ना सबसे ज्यादा उसे पता चलता है। हालांकि ये कागजों पे कहने वाले को कुछ नहीं है, कागज पे कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है, मगर जब आदमी पे बीतती है ना और जब हॉस्पिटलों में चक्कर काटता है तब आयुष्मान कार्ड का पता चलता है क्या है आयुष्मान कार्ड। मैं घूम रहा हूँ, मेरे एडमिट है, चलिए आपको मैं अभी दिखाता हूँ। आयुष्मान कार्ड जब लगाया जब हमारे घर के सारे पैसे निकल गए जो हमें उसके बाद उसका क्या फायदा। अभी भी मैं एक मिनट मैं अभी भी दो खून की बोतलें दे के आया हूँ, 5,000 रुपये की पड़ी है मुझे, 2,000 रुपये की एक खून की बोतल पड़ी है, प्लस मैंने खून भी दान कराया अपना, तब जाके मुझे बदले में मिली है वो। आयुष्मान का क्या मतलब है, 5,000 रुपये मैं घर से दे रहा हूँ तो आयुष्मान का क्या लेना देना है भाई, उसमें कोई लेना देना नहीं है जी। तो मैं अभी आप सबके पास आती हूँ और एक लास्ट कमेंट लूंगी कि बीजेपी या कांग्रेस आपके विधानसभा क्षेत्र में थे, सब आप लोग में एक वर्ड का आंसर जानना चाहूंगी कि बीजेपी या कांग्रेस, सविता कपूर या फिर धस्माना जी, आप बताइए। देखिए मैडम ऐसा एक वन वर्ड आंसर आप बताइए, बीजेपी या कांग्रेस? भाई चेंजेस जरूरत है ना, चेंजेस जरूरत है, सुबह भी झाड़ू मारने की जरूरत होती है ना जी, एक दिन का पहले का चीज आप घर में नहीं रखते हो, साफ की जरूरत होती है। फिर कौन सी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? इस बार तो चेंजेस के वोट देंगे, 7-8 साल 10 साल ये तो पूरा जिंदगी चलाते रहोगे क्या? तो आपका क्या है इसमें, बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस। आपका? हमारे हिसाब से तो मोदी जी ने जो करके दिखाया वो किसी सरकार ने करके नहीं दिखाया। कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जी जी जी, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा से पूरे चांसेस, आप जोश दे सकते हैं इनके अंदर कि कितना ज्यादा भरा हुआ है, कि बीजेपी के चांसेस इस बार काफी ज्यादा है, यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र से कहीं ना कहीं सविता कपूर जी यहां से अपना परचम लहरा सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ मैं निशी भाटिया, नमस्कार।